वीडियो में हमने बात की थी पोस्ट टेंशनिंग की। तो पोस्ट टेंशनिंग जो कंस्ट्रक्ट करने का कुछ स्टेप पड़े थे, उनमें सबसे पहला था शटरिंग का। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये है स्लेप शटरिंग हो गई है। अब यहाँ पर शटरिंग तो हो गई है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको ड्राइंग के तहत सरिये बिछाएंगे। जो मेन बार होगा वो बिछाएंगे बॉटम बार, उसके बाद हम स्लीव्स रखेंगे, सॉरी स्लीव्स नहीं, डक रखेंगे प्रोफाइल के हिसाब से। तो इंशाल्लाह प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, सरिये कैसे बिछाते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा आज। इसके साथ साथ आप देखें, ये बीम बांध रहे हैं। ये बीम तकरीबन तैयार हो गए, वहाँ से आगे बांध रहे हैं। यहाँ पर हर काम पे लगे हुए हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखें तो बीम में आपको कुछ मैं दिखाऊँ इंफॉर्मेशन के लिए आपकी। ये हमारे स्पेसर कहलाता है, स्पेसर बार, ठीक है। ये भी हमारे स्पेसर बार ही है, ये और ये हमारा क्या होगा, कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर हम 20 mm 25 mm का हम प्रोवाइड करते हैं, वो ये क्या है, कंक्रीट कवर है। तो यहाँ पर देखें ये स्पेसर बार क्यों लगाए, यहाँ पर इसका मकसद क्या है। स्पेसर बार लगाने का मकसद है, जब ये दोनों स्टील एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तो इन दोनों के बीच में कंक्रीट नहीं जाएगा, क्योंकि कंक्रीट में हम एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट हम 20 mm की हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान 20 mm से ज़्यादा स्पेस होना चाहिए कंक्रीट को गुजरने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्पेसर हमने प्रोवाइड किया है उस मकसद के लिए, ताकि इसमें से कंक्रीट गुजरे आसानी से। स्पेसर का डाया होगा या इसका साइज़ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 25 mm होना चाहिए। और ये देखें, ये यहाँ पर ये कॉलम में, यहाँ से कॉलम निकल रहे हैं ऊपर। तो इंशाल्लाह स्लेब की वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।